आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग इस इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि रेपो रेट के बेसिस पे जो भी लोन दिए जाते हैं बैंक को आरबीआई के एंड से, आरबीआई एंड से बैंक को कहा जाता है रेपो रेट के डिसीजन के लिए। और इसके साथ ही बैंक्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंटरनली बैंक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। सो बैंक्स को क्या ऑप्शन मिलते हैं और उस पर बैंक क्या इनिशिएट कर सकता है, किस रेट पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम लेंडिंग रेट उनकी क्या होगी। तो मिनिमम लेंडिंग रेट के अकॉर्डिंग हम लोग एक टॉपिक देखेंगे। इसके लिए सिक्वेंटली आरबीआई ने काफ़ी शिफ्टेशन करे। तो सबसे पहले एक सिस्टम आया था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, देन इसको स्क्रैप कर दिया था आरबीआई ने और काफ़ी सारे सिस्टम्स आए। पहले बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट देखेंगे, इसको 2010 तक आरबीआई के प्लेस में था, 2010 तक। तो और इसमें ऐसा सेट किया गया था आरबीआई की साइड से कि मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो सकती है, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी लोन पर कितनी दी जा सकती है, बैंक द्वारा ली जा सकती है बाई बैंक। उससे क्या डिसाइड होगा, उससे ये डिसाइड होगा कि बैंक जो भी लोन दे रहे हैं उस पर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितनी चार्ज कर सकते हैं। ऑल्दो दीज ऑल थिंग्स आर लिंक्ड टू द रेपो रेट एंड वट एवर डिसीजन दैट इज बींग मेड बाई आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी उसके रिगार्डिंग, बट इवन दो बैंक को ये फ्रीडम मिलती थी कि वो इंटरनली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। इंटरनल बैंक मार्क बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स होते थे, इनके कुछ बेस होते थे, उनके बेस पे ये सेलेक्ट कर देते। तो इसमें बेसिकली बेस क्या था, इसमें बेस ये था कि कॉस्ट ऑफ लैंडिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग मीन्स किस कॉस्ट पे बैंक क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। लाइक एज एन एग्जाम्पल, बैंक 100 रुपीज़ का लोन दे रहे हैं, 100 रुपीज़ का अगर बैंक लोन दे रहे हैं तो उनको उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पे बेसिकली लोन दिए एलोकेट किए जाते थे। सो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली क्या करा, काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रखा गया। देन एक इसको रिप्लेस करके एक सिस्टम आया था, ये 2010 तक फंक्शनल था, इसको रिप्लेस करके एक सिस्टम आया था बेस रेट का, बेस रेट। इट इज़ क्लियर विद बाय द नेम इटसेल्फ कि बेस रेट में क्या होता था कि आरबीआई बैंक्स को अपने एंड पे ये डिसाइड करने की परमिशन दे रखी थी आरबीआई ने कि वट एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी चार्ज्ड बाय द बैंक्स ऑन द लोन्स। तो ये भी बैंक ही डिसाइड करता था इंटरनली किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस पे लोन पे। सो ये भी किस पे डिसाइड होता था, इंटरनली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनमें यह है कि ये सब इंटरनली डिसाइड होते हैं और बैंक की साइड से डिसाइड होते हैं। अब इनके फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडरेशन में आते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉस्ट ऑफ लैंडिंग क्या है, इन पर रिटर्न कितना है। मान लिया कि बैंक ने एक्स अमाउंट दिया, सेम एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का लोन दिया, तो बैंक को उसी लोन पर रिटर्न कितना है, उसी रिटर्न के बेसिस पर ये बेसिकली एलोकेट करते थे। इनमें इररेगुलरिटी क्या आई, अगर फंड पे कॉस्ट जनरेट नहीं हो पा रही है, रिटर्न अच्छे नहीं हैं, फिर भी बैंक क्या करते थे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम पे भी लेंडिंग कर देते थे। किसमें, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में और बेस रेट में। होता क्या था इनमें कि बहुत लो, टू मच लो, टू लो लेंडिंग होने लग गई थी किसकी साइड से, बैंक्स की साइड से। तो आरबीआई ने क्या करा, इन दोनों ही रेट को रिप्लेस कर दिया था कंप्लीट। इनमें इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आरबीआई ने कहा कि इतनी लो नहीं रखनी चाहिए जिससे बैंक को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हो ही ना, बिकॉज बैंक्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी होती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई क्योंकि रिटर्न बैंक्स को अच्छे नहीं मिल रहे थे और कॉस्ट ऑफ लैंडिंग क्या हो गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी। तो अल्टीमेटली जो बोरोर्स थे उनको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद में क्या करा, इसी सिस्टम को रिप्लेस करके एक मोस्ट लेटेस्ट सिस्टम आया MCLR। देखें MCLR का नाम से ही क्लियर है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। सो इसको समझने की ज़रूरत है कि मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब ये ऐसे होता है कि वो मिनिमम कॉस्ट जिस पे बैंक को लैंड करने से प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। मीन्स अगर एक्स अमाउंट बैंक ने लैंड करा है, एज एन एग्जाम्पल अगर वो कितने भी एक्स वाई अमाउंट से वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लैंड करते हैं, क्या करते हैं, लैंड करते हैं, तो ही वो उनको लोन लैंड करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। बियॉन्ड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक्स। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये आया, ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया था बैंकिंग सिस्टम में अपने, 2016 में। सो MCLR अभी भी फंक्शनल है, अभी भी ऑपरेशनल है MCLR, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रॉब्लम्स ये थी कि बैंक्स को ये चूज करने की परमिशन इंटरनली मिलती है, ये सब के सब जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ मेंशन करी है ये सब इंटरनल रेट से,
मीन्स बैंक्स अपने बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखनी है लोन पे। ऑल दो आरबीआई उनको रेपो रेट के अंडर ऑपरेशन में बताता है कि इतनी रखनी चाहिए, बट बैंक्स आर फ्री टू चूज कि भाई उससे मिनिमम हम लैंड नहीं करने वाले। इट इज़ द मिनिमम लैंडिंग रेट दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन द लोन्स बाई द बैंक्स। इसका मतलब इनकी एक स्पेसिफिकेशन अगर सिंगल वर्ड में मैं कहूँ तो ये क्या स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं इनकी, ऑल आर इंटरनल। क्या है ये? सारी इंटरनल है। मीन्स आरबीआई की साइड से बैंक्स को क्या है इस चीज़ की परमिशन दे दी गई कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि इंटरनली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखनी है जिसके बेसिस पे आपको फंड की प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो ये सब इंटरनल मैटर था, बैंक्स को अपने बेसिस पे चूज करना था। अब इनके बेस क्या होते थे ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिटर्न्स कितने हैं जो बैंक्स ने लोन दिए उनमें, रिटर्न्स कितने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इन सब के बेसिस पे क्या है बैंक्स लोन दे सकते थे इंटरनली। बट लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये आया, बैंक को इन पे प्रॉफिटेबिलिटी कम ही होती जा रही थी। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक इसके रिगार्डिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट मूव लिया है, इनको एक्सटर्नल बेंचमार्क से क्या कर दिया, ये जो लैंडिंग रेट होती है ना, लैंडिंग रेट होती है, इसको बैंक्स को बोला आरबीआई, बैंक्स को किसने बोला, आरबीआई ने। आरबीआई ने ये क्लियरली स्टेट कर दिया कि आप जो है अपनी जो लैंडिंग रेट है उसको क्या करो, एक्सटर्नल लिंक करो। एक्सटर्नल किससे कि आप, यू आर स्टिल फ्री टू चूज, बट एक्सटर्नल मीन्स डायरेक्ट आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव बीन गिवन थ्री ऑप्शंस, उन तीन ऑप्शन के बेसिस पे आपको लैंडिंग रेट रखनी पड़ेगी। मीन्स इंटरनली आप अभी तक डिसाइड कर सकते थे, लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा इन तीन में से किसी एक चीज़ पे रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो रेपो रेट, भाई आरबीआई ने बोला है तो डायरेक्टली रेपो पे आप चूज़ कर लो, क्योंकि आपको रेपो रेट के अंडर लोन देना है तो आप डायरेक्टली उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको दे सकते हैं बैंक अल्टीमेटली बोरोवर को। किसको दे सकते हैं? बोरोवर को दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी थी? रेपो रेट से, रेट से लिंक कर सकते हो। सेकंड थी 81 डेज के ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स पे येल्ड कितनी मिल रही है। येल्ड का मतलब होता है रिटर्न, येल्ड इटसेल्फ मींस रिटर्न। इसका मतलब जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, जो आरबीआई की साइड से टेम्परेरी लोन फैसिलिटी है 91 डेज की, 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल है 91 डेज, इसमें तीन होते हैं 91, 182 एंड 364। सो 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स पे जो येल्ड है, जो रिटर्न है, उसके अकॉर्डिंग भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और थर्ड 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स वाला क्या रख सकते हो, बेंचमार्क रख सकते हो। तो इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेंचमार्क मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंडिंग के लिए रखनी पड़ेगी, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये अल्टीमेटली ये होगा कि बैंक्स इंटरनली ये डिसाइड कम्प्लीटली सॉवरेनिटी नहीं दी है, आपको एटलीस्ट एक्सटर्नल से लिंक करना ही पड़ेगा। और लेकिन बैंकों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स में क्या कर सकते हो, एक बार इनको ट्वीक कर सकते हो। चलो इतना तो हमने देख लिया कि इंटरनल बेंचमार्क लैंडिंग रेट क्या होती है, बैंक्स अपने आप डिसाइड करते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा, बैंक को ये करना पड़ेगा कि भाई आप मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लैंडिंग पे कितनी रख सकते हो। तीन ऑप्शन दे दिए उनको, रेपो रेट का एक ऑप्शन दे दिया, 91 डेज का ट्रेजरी बिल्स का ऑप्शन दे दिया, एंड 182 डेज का ट्रेजरी बिल्स का ऑप्शन दे दिया। इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अल्टीमेटली डिसाइड डिपेंडेंट क्या होगा, इससे ये होगा जो MCLR जो थी, जो कि इंटरनल था, जो कि इंटरनली कौन डिसाइड करता था, बैंक्स, हुआ क्या इनसे, और ये जो एक्सटर्नल है इनसे होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा एक्सटर्नल से। देखिए इंटरनल में ऐसा था कि बैंक्स को लो प्रॉफिटेबिलिटी होती थी, लो प्रॉफिटेबिलिटी प्लस ये वेरी करता था, क्या करता था, वेरी करता था बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक अलग अलग डिसाइड करते थे कि हमारे को मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रखनी है, दैट वॉज टू बी डिसाइडेड बाई द बैंक्स, वो बैंक अपने आप डिसाइड करते थे। लेकिन इसमें ये चूज कर दिया, अब एक्सटर्नल में बैंक को ये बोल दिया कि आपके पास तीन ऑप्शन है। अब ये हो सकता था ये बोरोवर के पास कितनी लेट पहुँचे, मान लिया एज एन एग्जाम्पल आरबीआई ने क्या करा है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आरबीआई ने क्या करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दी, डाउन कर दी, किस पे, रेपो रेट के अंडर। तो अल्टीमेटली बैंक को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन करनी पड़ेगी, और लोन क्या होंगे, लोन चीपर हो जाएंगे, लेकिन
बैंक क्या करते थे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सस्ती कर देते, लेकिन इंटरनल डिसीजन के रीजन से वो फिर भी थोड़ा सा क्या रखते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अप रखते थे। क्यों? क्योंकि तो बैंक को ये फ्रीडम दे दी थी कि आप इंटरनली क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब रेपो रेट के अंडर डायरेक्टली बोल दिया कि आपको डायरेक्टली चूज करना पड़ेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे ही रेपो रेट में किसी भी तरीके का आरबीआई क्या करेगी, ट्विक करेगी, तो बैंक को ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको किस बेसिस पे चूज करना है, एक्सटर्नल बेसिस पे। तो रेपो रेट में अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो जो बोरोवर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, वो बेनिफिट मिल जाएगा, डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा वो बेनिफिट। इसका मतलब किसी भी तरीके की कोई लेटेंसी नहीं रहने वाली है। इस मीन्स आरबीआई ने रेपो रेट ट्विक करी और बैंक को तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में एक रेपो रेट भी है। तो मोस्टली बैंक्स आर गोइंग टू चूज रेपो रेट। तो रेपो रेट के अंडर उनको डायरेक्टली लोन पे वो रेट एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली बोरोवर्स को क्या होगा, इससे बेनिफिट होने वाला है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट की इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या है, किस बेसिस पे आरबीआई ऐसा कहा कि इंटरनल छोड़ के आपको एक्सटर्नल की साइड स्विच करना चाहिए। सो बेसिकली आज हमने क्या देखा कि इंटरनल बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट क्या थी, सबसे पहले थी, उसके बाद में उसको रिप्लेस करके क्या आया, बेस रेट आई 2010 में। बेसिकली ये सारा जो ऑपरेशन है ना, ये है बेसिकली क्या, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी गिवन बाई बैंक्स ऑन लोन्स, ठीक है। लोन पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी जा सकती है, ली जा सकती है बैंक से, कस्टमर से या बोरोअर से, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो आरबीआई ने बोला आपको एक्सटर्नल चूज करना चाहिए, और आपको ऑप्शन ये दे दिए गए कि तीन ऑप्शन है, आइदर आप रेपो रेट से लिंक करके दे सकते हैं, या फिर 91 ट्रेजरी डील्स पे बिल्स पे रिटर्न कितना है उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, और 182 डेज पे। अब देखें, लोन तो दे दिया कंज्यूमर्स को। एक सबसे बड़ा इश्यू बैंकिंग सेक्टर से लिंक आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वो टर्म आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एवर ग्रीनिंग ऑफ द लोन, दैट इज एवर ग्रीनिंग ऑफ द लोन्स। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, अपनी बैंकिंग सिस्टम में आजकल न्यूज़ में है, बैंकिंग सिस्टम में आजकल न्यूज़ में। देखें, एक होता है एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ऑलवेज चलने वाला। तो इस बेसिस पे आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि एवरग्रीनिंग का सिंपल सा मतलब क्या होगा, कि अगर कोई भी तरीके का लोन है, इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ लोन, अगर मान लिया एक ये लेंडर है कौन, बैंक, और देगा किसको, अल्टीमेटली किसी ना किसी कंज्यूमर को देगा, कस्टमर को देगा, किसी ना किसी कस्टमर को लोन देगा। अब इसको मान लिया एक्स अमाउंट का लोन दे दिया किसने, बैंक ने, एक्स अमाउंट का क्या दे दिया, लोन दे दिया बैंक ने, लेकिन उसको मान लिया तीन साल के लिए दिया, कितने साल के लिए, थ्री इयर्स के लिए, लेकिन ये जो पर्सन है ये कस्टमर तीन साल में उस लोन को पे ही नहीं कर पाया, ठीक है। अब उसको क्या करा, ये पे तो नहीं कर पाया, लेकिन बैंक फिर भी उसी कस्टमर को क्या कर रहा है, रिपीटेडली लोन दे रहा है। अब इस थ्री इयर्स कंप्लीशन के बाद में भी पेमेंट क्या नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है, इवन दो ये सेम बैंक इसी कस्टमर को फिर से क्या दे देगा, लोन दे देगा। दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली इससे क्या होने वाला है, इससे बैंकों का एनपीए क्या हो जाएगा, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और अगर एनपीए बढ़ेगा, अगर लोन की एवरग्रीनिंग से क्या होगा, सेम कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, लोन टू सेम कस्टमर, और बार बार कस्टमर बार बार लोन देंगे रिपीटेडली, और वो पे भी नहीं कर पा रहा फिर भी उसको दे रहे हैं, इससे बैंकों का क्या होगा, एनपीए बढ़ेगा। एनपीए बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों की कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और जितना लोन वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, उतना ही क्या होगा, बैंक को न्यू कस्टमर को क्या होगा, न्यू कस्टमर को लोन कम होंगे, ठीक है। न्यू कस्टमर को जितने लोन कम होंगे उससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट उतना ही क्या रहेगा, कम रहेगा, इन्वेस्टमेंट उतना ही कम रहेगा, और जितना इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम रहेगा उतना ही इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है, और जितना कम प्रोडक्शन रहेगा इसका मतलब अपनी जीडीपी उतनी ही क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। और जितने ज़्यादा सेम कस्टमर को लोन देंगे, हो सकता है वो ज़्यादा एनपीएस बने और रिटर्न ना आए, और जितना अपना इन्वेस्टमेंट कम होगा उससे ये एक नेगेटिव ये है कि इससे एक एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए कम हो जाए, और जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम होगा उतना ही इंडिया में पर कैपिटा इनकम क्या रहेगी, कम रहेगी। पर कैपिटा इनकम जितनी कम रहेगी उस अपने यहाँ कंट्री में, उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी लोगों की, पीपीपी
कम रहेगी, और परचेजिंग पावर पैरिटी अगर किसी भी कंट्री में कम रहती है तो इस इंटरनेशनली अपन क्या रहेंगे, वीक रहने वाले हैं। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली हमारी जो पॉवर्टी है वो क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। तो ये कंप्लीट साइकिल डेवलप हो जाएगी कि सेम पर्सन को आप लोन दे रहे हो और उससे रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, एवर ग्रीनिंग कर रहे हैं लोन की। इससे बैंकों के एनपीए बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, नए लोन जनरेट नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, और अल्टीमेटली जीडीपी लिमिटेड होने वाली है, ठीक है। और अगर जीडीपी लिमिटेड हो जाएगी तो हो सकता है पॉवर्टी भी क्या रहे, पॉवर्टी भी हाई रहे, ठीक है। और पॉवर्टी अगर हाई रहेगी तो अल्टीमेटली कंट्री में क्या होगा, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है उसका नाम है पॉवर्टी पॉवर्टी एंड सैड प्रॉस्पेरिटी, वो क्या रहेगी, उतनी ही इंडिया के लिए ट्विक रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, इंडिया की रैंकिंग इंडिया उसमें उतना अच्छा नहीं करेगा। मतलब सैड प्रॉस्पेरिटी का मतलब है, अगर इफ़ देर इज हाई इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी उस कंट्री में उतनी ही कम है, समृद्धि उतनी ही कम है, तो वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग में अपन भी अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट वॉज द थिंग। और बेसिकली आज हमने क्या देखा, इंटरनल बेंचमार्क के निगेटिव्स क्या थे, स्टार्ट कहाँ से करा, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग क्या था, बीपीएलआर, देन बेस रेट क्या थी, देन उसको रिप्लेस करके एमसीएलआर क्यों लाए। अगर एमसीएलआर को आरबीआई बैंकों को सजेस्ट करता है आप एक्सटर्नल रेट पे आएँ क्यों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो भी हमने डिटेल में देखा, और इसके रिगार्डिंग अदर चीज़ें भी अपन ने डिटेल में देखी। सो और एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन क्या होता है, दैट वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और नेक्स्ट सेशन में अपन एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।